की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाने वाले डिजिटल म्यूजियम को 14 नवंबर से खोला जा रहा है। एक माह तक स्कूली और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा। डिजिटल म्यूजियम सप्ताह में एक दिन की ये बंद रहेगा। स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा में आज मीडिया से बातचीत में इस म्यूजियम के बारे में जानकारी दी और इसका प्रस्तुतिकरण भी किया। जोशी ने कहा कि इसे राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का नाम दिया गया है। इसमें विधानसभा के अंदर सदन का दृश्य भी दिखाया गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों का सिलिकॉन से बने स्टैचू भी बनाए गए जो जीवंत से दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल म्यूजियम में राजस्थान के अतीत और वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास को दर्शाया गया। इसमें राजस्थान के गत 70 साल के हर क्षेत्र में उपलब्धियों को भी बताया गया है। ये जरूरी है कि संसदीय लोकतंत्र में नई पीढ़ी को ये जानकारी नहीं मिलेगी तो किस तरह से जो संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण जो एक प्रभावशाली ढंग से संसदीय लोकतंत्र में वो नागरिक के रूप में उनकी भूमिका होगी, उनका निर्माण करने में मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं होगा। इसलिए ये सोचकर हमने ये म्यूजियम का निर्माण कराया है और मैं पूरे हिंदुस्तान में शायद राजस्थान ही एक विधानसभा है जिसमें इसमें पहल की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही हो। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन टीवी।